बिसमिल्ल अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल इंडियाज़ किचन हेलो व्यूअर्स आप लोग कैसे हैं उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे आज मैं आप लोगों के लिए एक साउथ इंडियन डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत ही चटपटा और मज़ेदार रेसिपी है और उसके साथ हम एक कटे मसाले का गोश्त भी साथ में बनाएंगे जो लंच के लिए बहुत आइडियल रेसिपी है तो चलिए देख लेते हैं इसे हमको कैसे बनाना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक मज़ेदार सा मसाला तैयार करेंगे आठ से दस जवे लहसुन के जिसको छील कर ले लेंगे और कुछ कड़ी लीव्स लेंगे और एक चम्मच सरसों एक चम्मच सफ़ेद ज़ीरा आठ से दस सूखे लाल मिर्च और आधा चम्मच मेथी दाने और दस से बारह गोल मिर्च और एक तिहाई नारियल को बिल्कुल बारीक कट करके हम ले लेंगे तो सबसे पहले इस मसाले को हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे जब मसाले से अच्छी सी खुशबू आ जाए बस फ़ौर उसी वक्त हमें उसको निकाल कर एक प्लेट पर रख लेना है और फिर एक टीस्पून ऑयल डालकर उस पर जो लहसुन को हमने छील कर रखा है उसको फ्राई कर लेंगे जैसे ही उस पर गोल्डन मार्क्स आ जाएं हम उसको भी उस मसाले के साथ मिक्स करके रख लेंगे अब हम जो नारियल को कट करके रखे हैं उसको पतले स्लाइस में कट कर लेंगे और इन मसालों के साथ मिलाकर हम इसका एक अच्छा फाइन सा पेस्ट बना लेंगे देखिए कितना अच्छा पेस्ट एकदम बिल्कुल फ़ाइन पेस्ट बनकर तैयार है इसको एक साइड पे रख लेंगे और थोड़ा सा इमली उस पर हम थोड़ा सा पानी मिक्स करके उसको सोख होने के लिए रख देंगे ताकि इमली के बीज आसानी से रिमूव हो जाएं अब एक कढ़ाई पे ऑयल डालेंगे एक टीस्पून स्पून पचफोड़न और कुछ कड़ी लीव्स डालकर इन मसालों को हम उस पर डालकर अच्छे से भून लेंगे आधा चम्मच हल्दी और कलर के लिए आधा चम्मच मिर्च पाउडर शामिल कर देंगे और सबकी सात से आठ मिनट तक अच्छे से भुनाई करेंगे बहुत मज़ेदार सा ये रेसिपी बनता है फ्रेंड्स जब मैं छोटी थी तो मेरे अबू के यहाँ ये रेसिपी बहुत बनता था यूँ मान लीजिए कि हफ़्ता में एक बार तो ज़रूर बनता था खड़े मसाले का गोश्त और यही चारू पानी तो मैं सोची कि आपके साथ इसकी भी रेसिपी शेयर करूँ इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा देखिए जब मसाला अच्छे से भून जाए और ऑयल रिलीज़ हो जाए तब उस पर एक चम्मच नमक शामिल कर देंगे और जो हमने इमली को भिगो कर रखा है उसको चलने से छान कर उस पर शामिल कर देंगे और जितना भी हमें शोरबा पतला करना है या थोड़ा ग्रेवी टाइप रखना है हालांकि इसका जितना पतला शोरबा बनाएंगे उतना ही ये मज़ेदार लगता है लंच में चावल के साथ इस रेसिपी का मज़ा लीजिए इन आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा जब बॉयल आ जाए पाँच से सात मिनट इसको पकाएं फ्लेम को ऑफ कर दें अब इसके लिए एक सिंपल सा गोश्त का रेसिपी है जो फली के जो पीसेस होते हैं उसी को छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके उसको हम खड़े मसाले का सालन बनाते हैं कुकर पे एक टेबलस्पून ऑयल गरम कर लीजिए और उस पर कुछ कड़ी लिप्स डाल दीजिए और ये जो मटन के पीसेस हैं उसको उसमें शामिल कर दीजिए और साथ में कुछ खड़े मसाले जो भी आपके पास अवेलेबल हों ज़ीरा छोटी इलायची बड़ी इलायची लौंग बादियान के फूल कुछ लहसुन के कली को बारीक कट करके कुछ अदरक के टुकड़ों को बारीक कट करके हरे मिर्च पाँच से छः ये सबको उस पर शामिल कर दीजिए और दो से तीन मीडियम साइज़ के प्याज को मोटे टुकड़ों में कट करके उसको भी उसमें शामिल कर दीजिए एक चम्मच नमक आधा चम्मच मीर हल्दी बस यही पाउडर मसाले जाएंगे सबको अच्छे से मिक्स करके दो से तीन मीडियम साइज़ के टमाटर को बारीक कट करके उसमें शामिल कर दें अच्छे से भून कर इसको पका लें टमाटर के पानी में गोश्त बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा और फिर फ्लेम को ऑफ कर दें उम्मीद करती हूँ ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे अल्लाह हाफिज़